बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव टू कुक। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ये राजस्थान की फेमस प्याज की कचौरियाँ, और ये कितनी फूली फूली सी बन करके तैयार हो रही हैं हमारी कचौरियाँ। तो इसे मैंने बिल्कुल राजस्थान की स्टाइल से ही बनाया हुआ है, तो आप भी इसे ज़रूर देखें कि मेरी ये रेसिपी मैं कैसे तैयार करती हूँ, और उसके बाद आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना डो बना करके तैयार कर लेते हैं। तो डो को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, ये आधा किलो मैदा है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को इस तरीके से रगड़ करके डालेंगे जिससे कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ऑयल, ये 50-60 ml के तकरीबन ऑयल है, इसे हम डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मैदे को मोयन करेंगे, तेल को मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि हमारी कचौरियाँ अच्छी और एकदम खस्ता बनेंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारा मोयन हो चुका है मैदा, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बनने लगा है, इसका मतलब ये अच्छे से मोयन हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये हल्का गुनगुना सा पानी, इसको इसमें ज़रूरत के मुताबिक डाल करके गूँधेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है हमें इसका थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाना है। तो बस इस तरीके से इसे गूंथते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके। तो ये देखिए, ये हमारा डो बन करके तैयार है, ये बहुत सॉफ्ट डो बनाया है मैंने, इस तरीके से ही आपको बनाना है। तो अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, और तब तक हम तैयारी कर लेते हैं फिलिंग की जो हमें कचौरियों में भरनी है। तो इस तरीके से इसे करके हम रख देंगे इसे ढक करके लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये 2 टीस्पून धनिया, और ये लिया है मैंने 1.5 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून जीरा जाएगा इसमें, और 1/4 टीस्पून ही जाएगा इसमें अजवाइन। तो ये सारे मसाले हम भून लेंगे अच्छे से, जब तक इसकी खुशबू अच्छे से आने लगेगी तब तक हमें इसे भूनना है, और भूनने के बाद हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अब भुन गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसके बाद हम भूनेंगे इसमें थोड़ा सा बेसन। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा बेसन हमें नहीं लेना है इसमें, बस थोड़ा सा ही लेना है। अब हम इसे भी भून लेंगे अच्छे से, और जब बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे सेम पैन में। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही ऑयल लेना है इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे, और साथ ही साथ डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ ये हरी मिर्च, और इसे थोड़ा सा भूनेंगे, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये मसाला जो हमने तैयार किया था, धनिया सौंफ जीरा और अजवाइन का, तो ये डाल देंगे इसमें, और ये डाल करके हम अच्छे से भूनेंगे इसमें। और इसके साथ अब हम डाल देंगे इसमें ये प्याज जो मैंने बारीक काटी हुई थी, ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक काटा हुआ था, तो ये डाल देंगे इसमें। अब हम फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा हुआ है, बस मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से भूनेंगे प्याज को। फ्रेंड्स, अब हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगी है, तो अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे कुछ मसाले, जैसे इसमें 1/2 चम्मच जाएगा ना 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे ये बेसन जो बाइंडिंग का काम करेगा, तो ये बेसन मैंने डाल दिया है इसमें। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी ये मीडियम साइज़ के आलू हैं जो मैंने बॉईल करके रखा था, इसे इस तरीके से क्रश करके डाल देना है हाथों से, ये भी बाइंडिंग का अच्छा काम करेंगे। तो बस इस तरीके से इसे हाथ से मैश करके ही डायरेक्ट डाल देना है इसमें, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मुँह इस तरह दबा करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से मसाला मिल चुका है, तो अब हम इसमें डाल लेंगे ऊपर से हरा धनिया, और हरा धनिया डालकर एक बार फिर इसे अच्छे से मिला देंगे। ये सारी फिलिंग हमने मीडियम आंच पर ही बनाई है,
तो बस मीडियम आँच ही रखना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हाई रखना है, वरना हमारा मसाला जल जाएगा और प्याज हमारी सॉफ्ट नहीं हो पाएंगी। तो इस तरीके से इसे मिला लेना है और अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे और इसे फिल करेंगे अपनी कचौरियों में। तो चलिए इसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर को ठंडा करने के बाद मैंने इस तरीके से बॉल्स बना ली हैं छोटी छोटी। तो इस तरीके से बना लेना है आपको। तो चलिए आप साइड कर देते हैं और अब हम ये आटा ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये आटा हमारा कितना सॉफ्ट है। तो अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें आटे को लेना है और इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। बस बहुत ज़्यादा बड़ी हमें नहीं लेना है, बस इतनी इतनी बड़ी लेनी है। तो इस तरीके से सारी बॉल्स हम बना लेंगे। देखिए मैंने सारी लोइयाँ तैयार कर ली हैं इस तरीके से। तो चलिए अब हाथों में हल्का सा तेल लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसकी टिकिया बना करके इस तरह से चारों तरफ से हम इसे किनारे किनारे से बिल्कुल पतला कर लेंगे। और पतला करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गहरा सा गड्ढा बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसमें हम रख देंगे ये हमारी फिलिंग और अब हम इसे बंद करेंगे। तो इस तरीके से दबाते हुए इसे अच्छे से, फिल कर लेना है। तो ये हो गया तैयार। तो अब हम इसे इस तरीके से रख देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सारी बनाते जाना है। तो चलिए अब सारी बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सारी लोई बन करके तैयार है। इसमें हमने अच्छे से फिलिंग भर दी है। तो ये हमारा रेडी है आप टिकिया बनाने के लिए, और इसके बाद हम करेंगे इसे फ्राई और फिर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चलिए अब इसकी हम टिकिया जब तक बना लेते हैं जब तक हमारा तेल गर्म होता है। तो हाथों में इस तरीके से तेल लगा लेंगे और इसको धीरे धीरे करके ऐसे इस तरीके से दबा दबा करके हम थोड़ा बड़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना है इसे, बस थोड़ा सा ही बड़ा करना है। और बीच से भी इस तरीके से हम दबा देंगे और साइड साइड से भी इस तरह से हम दबाते जाएंगे और इसको इस तरीके से फैलाते जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कचौरियाँ तलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे और इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए इसे रख लेना है हमें। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अब अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम कर देंगे मीडियम लो पर, और इस तरीके से हम सबसे पहले चम्मच में लगाएंगे ऑयल और फिर इसी में हम रख देंगे ये कचौरियाँ अपनी, और फिर इसे धीरे से ऑयल में डाल देंगे इस तरह से। इसे थोड़ी देर के लिए नीचे से उठा करके रखेंगे जिससे कि ये नीचे चिपके नहीं, और फिर इसे डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी की डाल देंगे और इसे मीडियम लो हीट पर हम फ्राई करेंगे। बहुत हाई हीट हमें नहीं रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ से अच्छे से हो गई है ब्राउन बिल्कुल। तो अब हम इसे दूसरी तरफ से पकाएंगे 10 मिनट के लिए। एक तरफ से हमने इसे पकाया था, अब हम दूसरी तरफ से इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी अच्छे से गोल्डन होने लगी है और ये हमारी कचौरियाँ फूल भी गई हैं। तो चलिए अब इसे हम दूसरी तरफ से पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कचौरी तल करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा बैच हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन करके तैयार है ये हमारी बहुत ही शानदार सी और बहुत ही टेस्टी सी ये राजस्थान की फेमस प्याज की कचौरियाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी लग रही है देखने में, और ये फूली फूली भी बहुत बनी है। तो चलिए मैं इसे आपको एक तोड़ करके दिखा देती हूँ कि ये कितनी फूली हुई। तो ये देखिए, ये इस तरीके से एकदम फूली हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कितनी फूली हुई बनी हुई है, ये देखिए। तो ये बन करके तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आप मेरी आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।